अपने पास में ये हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर के अंदर जो है कोई दिक्कत है अभी हम देख लेते हैं क्या परेशानी इसके अंदर आ रही है और उसको ठीक करते हैं। चलिए तो वीडियो की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हेयर ड्रायर हम देख रहे हैं ये 2000 वाट का है, इसको खोलना शुरू करते हैं कि दिक्कत इसमें क्या है और कहाँ से आ रही है। पहले तो इसको खोल लेते हैं, इसमें जाली है इसको ताकि इसमें कोई चीज़ अंदर शक ना कर ले। ऊपर से एक और यहाँ पे जाली दी गई है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, एक और जाली यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दो स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले इन स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से खुल गया है ये, और अब देख पा रहे हो इसमें हाई पावर की मोटर लगी हुई है। यहाँ पे ये जो मोटर लगी हुई है ना, ये हाई पावर की मोटर लगी हुई है। हाई पावर की मोटर के साथ साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो स्विच लगे हुए हैं यहाँ पे दो प्रकार के। एक यहाँ पे जो फ्यूज स्विच लगा हुआ है, ये वाला जो स्विच लगा हुआ है इधर की तरफ में, ये फ्यूज का स्विच लगा हुआ है, और ये दो उसके मेन स्विच लगे हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इसका ना ये एक वायर जो है ये निकला हुआ है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक वायर जो है ये निकला हुआ है, इसका रेड कलर का जो वायर है ये इसमें से निकला हुआ है। और जब भी इसको किसी ने बंद किया होगा तो ढंग से बंद भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप ये वाला वायर देख सकते हैं ये यहाँ से दब के कट गया। और ना यहाँ पर एक डायबोर्ड भी लगा हुआ था, देख पा रहे हैं डायबोर्ड जो है जल गया है। जो डायबोर्ड यहाँ से यहाँ पर सप्लाई देर पास कर रहा था, वो डायबोर्ड यहाँ से जल गया है। स्विच जहाँ तक है मुझे लगता है ये स्विच ठीक है। अब डायबोर्ड जो मैं लेके आया हूँ, ये वाला डायबोर्ड मैं लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं ये डायबोर्ड है। पहले जिसमें डायबोर्ड लगा था काफ़ी हल्का लगा था, जिसकी वजह से वो डायबोर्ड फूक गया था। तो अब हैवी डायबोर्ड लगा देंगे तो इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली फूकने की और ख़राब होने की। तो अब हैवी डायबोर्ड के साथ में कम करने वाले हैं, तो डायोड को हम इस तरह से इसमें रख लेंगे। पहले ये वाला डायोड जो इसमें लगा था इसको छुटा लेंगे, अपना आयरन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये स्विच जो प्लास्टिक का, इस पर ज़्यादा आए ज़्यादा देर आयरन मत लगाना, नहीं तो ये स्विच पिघल के गिर जाएगा। और थोड़ी सी देर आयरन लगाना जब आपके गर्म हो जाए तुरंत उठा लेना भैया। इस दिशा में करंट की तरफ बहना है, तो ये वाला हिस्सा जो है ज़्यादा ब्लैक वाला इस तरफ रहेगा, जिससे करंट बहेगा, यानी कि इस तरह से करंट आएगा। तो इस वाले को हम इसमें लगाएंगे, और इसमें लगा के इसके कांटे बहुत हैवी हैं, इसको इसमें लगा देंगे। देखिए ये डायोड हमने इधर लगा दिया और ये इधर लगा दिया। अब जो है इसको इसमें डाल के जो है इसको वायरों का एजुकेशन जो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत देता है हमेशा। अच्छा, ये बैक कवर लगाने से पहले एक बार इसको चला के टेस्टिंग करके देख लेते हैं ये काम कर रहा नहीं कर रहा। पहले इसको जीरो पर रखेंगे, बिजली को दोनों को जीरो पर रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसमें करंट दे दिया है, करंट इसके अंदर दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ये गर्म वाला शुरू करेंगे, ये लाल वाला एक पर कर देंगे काम। तो ज़्यादा पावर आपको चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, अगर इस पर हम करेंगे तो स्पीड इसके लेवल आ जाती है। गर्म भी और करना हम इसको इसको कर देंगे, तो गर्म भी ज़्यादा गर्म होगा। तो इस तरह से ये हेयर ड्रायर में अगर दिक्कत आती है तो हो सकता है आपका वो जल गया हो, डायबोर्ड इसका अंदर जल गया हो। देखो ये स्पीड हो गई, ये स्पीड इसकी कम हो, यही इसके अंदर दिक्कत हो सकती है। सो आप जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से खोल के इसको ठीक कर सकते हैं।
अब इसको क्या हम लोगों ने इसके स्क्रू जो वापस कर देने हैं। तो सबसे पहले इसके हुक जो है ये बैठाने, ये लोग जरूर बैठाना, सही से लोग बैठाना इसके जरूरी है। ये इस तरह से बैठाएंगे तो प्रॉपर लोग इसके बैठ जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास दो स्क्रू इसमें करने होते हैं जो हमने इसके खुले थे जाली के पीछे वाले, ये दोनों स्क्रू को उनको उनकी जगह पर कर देंगे। और लास्ट में इसकी ये जाली जो है जाली लगा लेंगे ताकि इसके अंदर कुछ ऐसा मोटा आइटम इसके अंदर घुस ना जाए। ये ड्रेल ओके हो गया।